व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो मगर भारत का है और इसके प्रति हम सबके मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस शांति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शांति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सबका तो भरोसा नहीं दे सकता मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। माननीय, अब मैं थोड़ा इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात करी है इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई इसमें पॉलिटिकल जो बातें हुई, गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्ले हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूँ और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए, आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91, हैदराबाद 143 लोग मारे गए, उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए। माननीय, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीए जी को सरकारी कामकाज से, सीए जी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने, जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया, आपको इतिहास मालूम नहीं है?